रहीम अलक्म नाजरीन सलाम न्यूज़ देखने वालों को अली अमजद चौधरी का सलाम पहुँचे हमने गुजत से पेवस्ता हफ्ते भी एक पेश पेशगोई की थी कि जमीत इस्लाम में कोशिश की जा रही है कि यहाँ धड़े बंदी की जा सके मौलाना फजल रहमान को अलताफ़ हुसैन बनाने की कोशिश भी हो रही है येहदा चीज़ है कि अलताफ़ हसैन साहब अपनी ज़्यादातर ख़ुदातमादी की वजह से इसके शिकंजे में आ गए थे और ख़ुद एक बेअसर होकर रह गए लेकिन मौलाना फजलुर रहमान शायद खुद एतमादी से भी ज़्यादा उनका इस वक्त जो एग्रेसिव मूड है उनका जो जा है ना मिजाज है उसकी वजह से वो सामने आ रहे हैं कोशिश की जा रही है कि मौलाना फजलुर उरहमान को अब अल्ताफ़ हुसैन बनाने का वक्त आ गया मौलाना मोहम्मद खान शिरानी आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे आ, उनके साथ जमीत इस्लाम के सीनियर रहनुमा आ, मौजूद थे और एक ही अहम नुकते पर गुफ्तु जारी थी वो ये थी कि जमीयतम इस्लाम पाकिस्तान और जमयत इस्लामाम फ़लल ने मुख्तलिफ इंतबात की भी बात की उनका ये भी कहना था कि मुख्त कई इंतबात ऐसे थे कि जिसमें जमीयतम इस्लाम फजलर रहमान की तरफ से इंतवी निशान के लिए एप्लीकेशन आप, जो है दरखास्त जो है वो सबमिट की गई जबकि ऐसे इंतबात भी थे कि जब जमीयतम इस्लाम पाकिस्तान की तरफ़ से गए अब ये बागी रहनुमा जिन्हें इस वक्त कहा जा रहा है तो बागी रहनुमा हैं मौलाना मोहम्मद ख़ान शीरानी हाफिज़ हुसैन अहमद इसी तरह मौलाना गुल नसीब ख़ान सीनियर रहनुमा हैं अब ये दावा कर रहे हैं कि जमीयत इस्लाम मौलाना फजल रहमान ग्रुप दरअसल असल फजल रहमान ग्रुप नहीं यानी या असल जमीयतलम इस्लाम नहीं है बल्कि असल जमीयतलमा इस्लाम वो है कि जिसकी क्यादत मौलाना मोहम्मद खान शीरानी करें